कुंजपुरा क्षेत्र में कुमारी सैलजा पहुंच चुकी हैं। कुमारी सैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इंद्री विधानसभा से डॉक्टर नवजोत कश्यप को टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है, बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। कुमारी सैलजा पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं, कांग्रेस की तरफ से लोगों से वोट की अपील कर रही हैं और इंद्री के कुंजपुरा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। डॉक्टर नवजोत कश्यप की तरफ से जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, यहाँ पर उन्हें आप देख सकते हैं कि स्वागत के तौर पर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और अब यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगी कुमारी सैलजा। इससे पहले भी वो करनाल के कुछ हलकों में आई थी और आज एक बार फिर से कुमारी सैलजा इंद्री के कुंजपुरा में पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि कुमारी सैलजा का स्वागत जोर शोर से यहाँ पर किया गया और भारी संख्या में यहाँ पर जो युवा हैं वो छतों पर भी खड़े हैं कुमारी सैलजा का स्वागत करने के लिए। इसके अलावा महिलाएं भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। डॉक्टर नवजोत कश्यप को कांग्रेस का उम्मीदवार इंद्री हलके से बनाया गया और उनके समर्थन में कुमारी सैलजा यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आई हैं। तमाम मुद्दे कुमारी सैलजा अलग अलग इलाकों में जाकर पूरे हरियाणा में जाकर रख रही हैं और इंद्री हलके में भी वो अपने मुद्दे रखने आई हैं। सुनील पवार जी, इनके पति श्री भीमसेन मेहता जी, श्री महेंद्र तुसिया जी, श्री शुभकरण कंबोज जी, श्री पूरण सिंह जी कंबोज जी, श्री सचिन कंबोज जी, श्री संदीप धुमसी जी, श्री अरविंद जी, श्री किरण पाल जी, श्री अमित काद्यान जी, श्री रूप जी, सुशील जी। में लोग अक्सर कहते हैं कि राजनीति में बड़े बड़े लोगों की ही जगह है या पैसे वाले लोगों की जगह है। ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी की पहचान की एक ऐसे साधारण दंपति हैं ये, जिन्होंने खूब सेवा की, समाज सेवा की, पार्टी की सेवा की है। अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर समर्पित हुए हैं ये और कांग्रेस पार्टी ने इनकी पहचान की। क्या ये गुनाह है? क्या ये गुनाह है? क्या केवल बड़े लोगों की जगह होनी चाहिए राजनीति? क्या सेवा करने वालों की लोग नहीं जगह नहीं होनी चाहिए? हमेशा लोग कहते हैं कि आम आदमी, साधारण परिवार, सेवा करने आए तो उनकी पहचान क्यों ना। और आप लोगों ने भी ये पहचान करनी है। आज आपने देखना है, ये सबके लिए पहचानने का वक्त है कि जो काम कर सकता है, जो काम करके दिखाता है, उनकी पहचान होती है और आप लोगों को करके दिखानी है। ये चुनाव है जिसमें आपने बहुत हमारी छोटी बहन, देखो आज आप नींद रखोगे, बहुत सोचने की बात। बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, उनके पास साधन भी होते हैं और लोग उनकी तरफ देखते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं। साधारण व्यक्ति लोगों के बीच में रहकर सेवा कर सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं होगा। आज ये पति पत्नी यहाँ तक पहुँचे अपनी सेवा के कारण। इन्होंने कोई हमारी चापलूसी नहीं की, ये मैं बता दूं आपको, ये कोई ग्रुप की बात नहीं है, कोई चापलूसी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने खुद ये देखकर कि ये दोनों पति पत्नी इतनी लोगों के बीच में जाके मेहनत कर रहे हैं, साधारण घर से हैं, तो हमने एक ऐसी अच्छी नींव रखनी है ताकि सारा राज्य देखे कि इंद्री के लोगों ने सही सही एक छोटी बहन की पहचान की है। तो आपने अपना नुमाइंदा बनाया। और साथियों, जो सेवा ये कर सकती, जो सेवा ये दोनों आपकी कर सकते हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं कर सकता। तो आप इनकी नींव रखिए। यहाँ पर आने वाली 21 तारीख को आप सब ने मन बनाकर इनको यहाँ से जिताना है और अपना नुमाइंदा चुनना है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप देखना कि ये किस तरह आपकी सेवा करेंगे। और जो यहाँ के हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। एक तो यमुनानगर की फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, धनोरा ड्रेन में छोड़ा जाता है, इससे आसपास के गांवों में बहुत ज्यादा बीमारियां और दुर्गंध फैलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और हम इस समय खड़े हैं इंद्री के कुंजपुरा इलाके में और यहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंचेंगी और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर नवजोत कश्यप, उनके समर्थन में यहां विशाल जनसभा का आयोजन किया है और भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं नवजोत कश्यप के समर्थन में। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई है, वो यहाँ पर पहुँचेंगी। वो अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं, पूरे हरियाणा का दौरा कर रही हैं और ऐसे में अब थोड़ी ही देर में कुमारी सैलजा यहाँ पर पहुँचेंगी और जनता को संबोधित करेंगी। हमारे बीच में महेंद्र सिंह चूसिया जी से निवेदन करूंगा कि वो एक एक वक्ताओं को बुलवाना शुरू करें और आप सभी साथियों से सादर विनती करूंगा कि ये 1.5 घंटे का समय आप लोगों ने पूरी शांति के साथ वक्ताओं को सुनना है और जो संदेश ये आपको देंगे वो संदेश अपने बूथ के ऊपर लोगों के पास लेके जाना है। स्टेज के ऊपर मैं माफी चाहूंगा भाई, मैं तो खुदा के नीचे बैठूंगा, मैं अभी स्टेज पे नहीं बैठता, मैं खुदा के नीचे बैठूंगा। तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ साथी हैं उनको स्टेज पे जगह दें, बाकी हम सारे इकट्ठे नीचे बैठ के बात करते रहेंगे। कि उन्होंने मेरे को मन संचालन का जो अमांतित करके मंच को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं उनका और किन प्रवासियों का बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंद्री से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप दिन में हमने देखा कि डोर टू डोर प्रचार कर रही थी और अब विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि लोग छतों पर भी चढ़कर इस जनसभा को सुनने के लिए आए हैं और महिलाएं भी इस जनसभा में पहुंची हैं। और थोड़ी देर में कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो यहाँ पर पहुँचेंगी। डॉक्टर सुनील पवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं विशाल जनसभा, ये कुमारी सैलजा जी यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो उनको लेकर किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, आज ये जो भीड़ है, ये लोग एक छोटे से बुलावे पे यहाँ पे आए हैं और ये जो भीड़ है
वो लंबे दूर की भीड़ नहीं है, ये हमारे कुंजपुरा के आसपास कुंजपुरा गांव, बजीतपुर जड़ोली और ये जो आईटीआई से इधर के गांव हैं ये वहीं के लोग एक छोटे से बुलावे पे यहां पे पहुंचे हैं। और इन लोगों का ये मानना है कि अगर पूरे समाज का भला कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो निश्चित तौर पर इस भीड़ के आशीर्वाद को देख के सीधे तौर पे लगता है कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सुश्री शैलजा जी जो चंद मिनटों में हमारे बीच में पहुंचेंगे, तो एक संदेश लोगों के बीच में देंगे कि किस तरह का घोषणा पत्र वो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में निकाला है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही क्या क्या योजनाएं कांग्रेस पार्टी उनके लिए लेके आएगी। अक्सर लोग बनने के बाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्षेत्र में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी पहुंची हैं, डॉक्टर नवजोत कश्यप जो यहां से प्रत्याशी हैं उनके समर्थन के लिए। मैडम जी ये बताइए कि पूरे हरियाणा के अंदर आप दौरे कर रही हैं, नवजोत कश्यप एक महिला हैं, आप भी महिला हैं, कितनी मजबूती मिलेगी आपको पार्टी को कि एक महिला को आपने मैदान में उतारा है? कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की हितैषी रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह नहीं कि कहें कुछ, और हमेशा इनकी ज़बान, मैं नहीं समझती कि केवल ज़बान फिसलती है लेकिन इनकी मानसिकता ऐसी है जो कि एंटी विमेन है, महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के बारे में इनकी ओछी सोच बार बार इनकी ज़बान से निकलती है, यह आपने एक बार नहीं बार बार देखा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि हमेशा महिलाओं की इज्जत की है, मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर नवजोत यहाँ से हमारी नई विधायक बनेंगी। एक बहुत ही साधारण परिवार से है, कांग्रेस पार्टी ने इनकी पहचान की है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर इनकी जो सेवा रही है, यहाँ के लोग जो उत्साह है लोगों में, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि डॉक्टर नवजोत को अपने नया ये नई नुमाइंदा यहाँ से बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करने आए, आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में जिस तरह से वो रैलियाँ कर रहे हैं? प्रभाव नहीं पड़ना क्योंकि उनको हरियाणा के लोगों के बारे में पता नहीं है कुछ, ना मुख्यमंत्री को पता है ना प्रधानमंत्री को पता है। वो ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिनका यहाँ के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ना हमारे युवाओं के रोजगार की बात करते, ना महिलाओं के सम्मान की बात कुछ है, ना महिलाओं का सशक्तिकरण कुछ हुआ है, ना किसानों का कुछ किया। तो ये सारे मुद्दे भुलाकर वो ऐसे मुद्दे लाते हैं जिनका हमारे यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है।